अंश गुस्से से कहीं चला गया था। उसने अपना फोन भी बंद कर रखा था और वीरा को भी अपने साथ आने से मना किया। शौर्य भी सोना के इस तरह अंश को रिजेक्ट करने से बहुत गुस्से में था। उसके पास ही रिहान, शिवी, पीहू, नालंदा लिविंग रूम में बैठे थे। रिहान ने उदास होते हुए कहा, हमारा आइडिया फेल हो गया, मुझे भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पीहू ने भी उसी तरह कहा, हाँ वे दोनों कुछ वक्त पहले तक तो ठीक थे, दोनों साथ में कितने खुश थे, मुझे समझ नहीं आ रहा भाभी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो भी किया बहुत बुरा किया। दीप सोना के कमरे से बाहर आते हुए बोला, क्योंकि तुम लोगों को नहीं पता अंश ने उसके साथ क्या किया है। सब उसकी आवाज सुनकर उसे देखने लगे। शौर्य सोफे से खड़ा होते हुए बोला, दीप ये बात अब कोई मैटर नहीं करती। दीप उसके सामने आते हुए बोला, क्यों क्यों मैटर नहीं करती, क्या तुम भूल गई अंश ने सोना के साथ क्या किया था, उसके बाद भी तुम सोना से पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद कैसे कर सकते हो। रिहान उन दोनों के बीच आते हुए बोला, भाई आखिर बात क्या है, आप दोनों पहेली बुझाना बंद करेंगे। दीप ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए कहा, उसने सोना से बंदूक की नोक पर शादी की और कहते हुए उसे जो भी पता था वो सब बताया। सबने दीप की बात सुनी और सब उदास हो गए। सबको सोना के लिए बुरा महसूस होने लगा। सब फिर से चुपचाप बैठ गए। तभी नीलिमा कमरे से बाहर आई। उसने सबको बाहर बैठे देखा तो कहा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। नीलिमा को देखकर सब नॉर्मल हो गए। रिहान ने कहा, कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। नीलिमा उनके पास आते हुए बोली, अब बातें पूरी हो गई हो तो जाओ सो जाओ, कल पूरा दिन बिजी होने वाला है। सबने हाँ में सर हिलाया और नीलिमा को गुड नाइट कहकर अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह 7 बजे सोना की नींद खुली। जागते ही उसके सर में तेज दर्द का एहसास हुआ। उसे रात की सारी बातें याद आने लगी, उसकी आंखें भर आई। इस समय उसका दिल कितना दुख रहा था सिर्फ वो ही जानती थी। तभी पीहू दरवाजा खोलकर कमरे में आई। सोना उसे देखने लगी। पीहू उसके पास आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग भाभी, आप अभी जाग रही हैं? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत सारा काम है। ये कहते हुए उसने सोना का हाथ पकड़कर उसे बेड से खींच लिया और उसे वॉशरूम की तरफ लेने लगी। सोना ने कहा, आराम से पीहू, हम वो कह ही रही थी कि उसने देखा ब्राउनी उसका दुपट्टा अपने मुंह से पकड़कर वो भी अपनी पूंछ हिलाते हुए उसे वॉशरूम की तरफ ले जा रहा था। सोना ने उसकी क्यूटनेस को देखा और उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है हम तैयार होकर आते हैं, अब तुम दोनों जाओ। पीहू ने कहा, ठीक है जल्दी आना। सोना ने हाँ में सर हिलाया और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद सोना कमरे से बाहर आई। उसने देखा एक लड़की किचन की तरफ जा रही थी और सोफे के पास 5 साल की दो प्यारी बच्चियां ब्राउनी के साथ खेल रही थी, जो दिखने में एक जैसी लग रही थी, जैसे वे जुड़वा हो। सोना उन्हें देखते हुए उनके पास आ गई। तभी उनमें से एक बच्ची उससे टकरा गई। वो गिरती उससे पहले सोना ने उसे पकड़ लिया और बोली, संभल कर बेटा अभी तुम गिर जाती। वो बच्ची सीधी खड़ी हो गई और अपनी प्यारी आंखों से सोना को देखने लगी। दूसरी बच्ची भी उसके पास आ गई। सोना ने देखा वो दोनों बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। दोनों के बाल कर्ली थे और आंखें बहुत प्यारी थी। वो उन्हें कुछ कहती उससे पहले नीलिमा उनके पास आते हुए बोली, सोना ये दोनों हमारी नातिन है, सिया और जिया, सम्राट की जुड़वा बहन और अंश की बड़ी दी के बच्चे। सोना उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराई। नीलिमा ने उन दोनों बच्ची से कहा, चलो बच्चों मामी को ग्रीट करो। दोनों ने अपनी प्यारी आवाज में सोना से कहा, हेलो मामी। सोना उनके सामने घुटनों पर बैठ गई और दोनों को हग करते हुए बोली, हेलो सिया जिया, आप दोनों बहुत प्यारी हैं, और उनसे दूर हो गई। सिया ने खुश होते हुए कहा, मामी आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। सिया ये कहने के बाद सोना के गाल को पकड़कर खींचने लगी। उसके इस क्यूट एक्शन से सोना हंसने लगी। सिया जिया ने सोना के दोनों हाथ को पकड़ा और उसे किचन की तरफ ले जाते हुए बोली, चलिए हम आपको मम्मा से मिलवाते हैं। नीलिमा उन्हें ऐसे देखकर खुश हो गई। एक लड़की किचन में शेफ को कॉफी बनाने के लिए कह रही थी। उसने जीन्स और कुर्ती पहनी थी और उसके बाल बंधे हुए थे। उसने आंखों पर पावर का चश्मा लगाया हुआ था और वो नीलिमा की तरह बहुत सुंदर
और एलिगेंट लग रही थी। 6 साल पहले उनकी शादी राजस्थान के मशहूर बिजनेसमैन के साथ हुई थी और वो सुबह ही दिल्ली शिवी की सगाई अटेंड करने आई थी। सिया सोना का हाथ छोड़कर सिद्धि के पास आई और उसे सोना से मिलवाते हुए बोली, मामा देखो ये मामी है, बहुत ब्यूटीफुल है ना। सिद्धि सोना को देखकर मुस्कुराई और सोना के पास आकर उसके गले लगते हुए बोली, तुम जरूर सोना हो, मॉम ने बताया था तुम्हारे बारे में, फाइनली अंश ने शादी कर ली। जिया सोना के गोल गोल घूमते हुए एक्साइटेड होकर बोल रही थी, मामा मामी के बाल भी कितने लंबे हैं। कहते हुए वो सोना के बाल को छूने लगी जो उसके कमर से नीचे तक आ रहे थे। सिद्धि ने कहा, सोना तुम बुरा मत मानना, बच्चे ऐसे ही हैं। सोना ने हाँ में सर हिलाया। सिद्धि ने कहा, चलो जाओ बाहर खेलो। ये सुनकर वे दोनों वहां से भाग गई। तभी पीहू भाग कर किचन में आई और वो सोना का हाथ पकड़कर सिद्धि से बोली, सॉरी दी पर हमें भाभी की जरूरत है, आप भाभी से बाद में बात करना। ये कहने के बाद वो सोना को खींचते हुए अपने साथ ले गई। इधर नालंदा दरवाजे के पास रंगोली बना रही थी और शौर्य उसके पास बैठा उसे बहुत प्यार से देख रहा था और बीच बीच में अपने हाथ में लिए फूल को उसके ऊपर फेंक रहा था। नालंदा उसकी इस हरकत से हंस रही थी और शर्मा भी रही थी। नालंदा ने पिंक कलर का सूट पहना था जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। शौर्य उसकी तारीफ करते हुए बोला, वैसे तुम ट्रेडिशनल आउटफिट में बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम हमेशा ये क्यों नहीं पहनती। नालंदा ने सीधे से कहा, क्योंकि मुझे ये नहीं पसंद, ये तो शिवी ने मुझे दिया वरना मैं कभी नहीं पहनती। शौर्य ने मुंह बनाते हुए उसे देखा। वो आगे कुछ कहता उससे पहले पीहू सोना को लेकर उसके पास आ गई। शौर्य ने सोना को देखा और उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो खड़ा हुआ और सोना को घूरते हुए वहां से चला गया। पीहू ने कहा, भाभी देखो ना हमें समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या बनाएं, आप प्लीज हमारी मदद करो। सोना ने देखा नालंदा ने कलर्स को कहीं भी मिक्स कर दिया था जिससे रंगोली बहुत ही बेकार दिखाई दे रही थी। ठीक है हम कर देते हैं, सोना ने कहा और अपनी साड़ी को कमर में लपेट कर बैठ गई। वो दोनों कुछ देर में रंगोली बनाकर लगभग पूरा कर चुके थे। तभी नालंदा का फोन बजने लगा। नालंदा ने कहा, भाभी एक मिनट बहुत जरूरी कॉल है, और वो बात करने के लिए चली गई। तभी शिवी आकर पीहू को अपने साथ ले गई। सोना वहां पर अकेली ही रंगोली बना रही थी। कुछ ही मिनट हुए थे कि इसके सामने एक जोड़ी पैर दिखाई दिए। सोना अपना सर ऊपर करके उस पैर के मालिक को देखने लगी। उसके सामने सम्राट मुस्कुराता हुआ खड़ा था। सोना उसे बिना किसी भाव के देखने लगी। सम्राट मुस्कुराते हुए बोला, वेल नॉट बैड मिसेज रायजादा, आपकी रंगोली तो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। ये सुनकर सोना ने उसे चिढ़ते हुए देखा। सम्राट ने सफेद रंग की शर्ट और जीन्स पहनी थी। वो बिल्कुल अंश के जैसा ही दिखाई देता था। उसके बात करने का ढंग और आवाज भी लगभग अंश की तरह ही थी। बस उनमें फर्क इतना था कि सम्राट थोड़ा मैच्योर दिखाई देता था और अंश के चेहरे पर हर वक्त सिर्फ गुस्सा ही रहता था। सम्राट सोना को कुछ ना बोलते देख बोला, क्या हुआ मिसेज रायजादा, लगता है आपको मेरा तारीफ करना पसंद नहीं आया। सोना उसे जवाब देते हुए बोली, हमें तो आप भी पसंद नहीं है सम्राट। आपकी कोई चीज हमें पसंद आए, ये कभी हो नहीं सकता है, चाहे वो आपके द्वारा की गई हमारी तारीफ ही क्यों ना हो। ये कहने के बाद वो फिर से रंगोली बनाने लगी। सोना की बात सुनकर सम्राट की हंसी गायब हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, लगता है तुम सब भूल गई हो, तुम। वो कुछ बोल नहीं पाया। सिद्धि अपने हाथ में कॉफी का मग लिए सोना के पास ही आ गई थी। उसने सम्राट को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, सम्राट तुम आ गए, कम से कम आज के दिन तो घर पर रहो, जब देखो तब काम ही काम। सम्राट ने मुस्कुराते हुए सिद्धि के गले लगते हुए बोला, दी आप कब आई। सिद्धि ने कहा, सुबह ही मैं आ गई थी। सम्राट ने हाँ में सर हिलाया और वो सोना को देखते हुए बोला, वैसे क्या आप हमारे घर की नई सदस्य से मिली। सिद्धि ने सोना को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं सोना से मिल चुकी हूँ, लेकिन तुम कब अपनी बीवी से मुझे मिलवा रहे हो। हमें तुम्हारी शादी की खबर कब सुनने को मिलेगी सम्राट।
सम्राट ने ये सुना और उसका चेहरा थोड़ा सफेद पड़ गया। उसने अपना गला साफ किया और कहा, एक्सक्यूज मी दी, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, मुझे कुछ काम है। इसी तरह शाम हो गई। मेहमानों का आना शुरू हो गया था। वहां पर लगभग 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। शिवी सुबह नाश्ता करने के बाद से ही अपने कमरे में थी और उसे कुछ लोग सगाई के लिए तैयार कर रहे थे। उसने पिंक कलर का हैवी गाउन पहना था और उसके बालों का एक सुंदर सा जूड़ा बनाया हुआ था। कानों में बड़े बड़े डायमंड इयररिंग्स और गले में सिंपल सा नेकलेस था। वो किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। सोना नीलिमा के साथ उसके कमरे में आई। शिवी जो मिरर के सामने बैठी थी वो उन दोनों को देखकर खड़ी हो गई। नीलिमा ने उसे देखा और उसके पास आते हुए बोली, देखो तो तुम कितनी प्यारी लग रही हो। और उसने शिवी को गले लगा लिया। वो उसे खुद से दूर करके अपनी आंखों से काजल लेकर उसके कान के पीछे टीका लगाते हुए बोली, किसी की बुरी नजर ना लगे तुम्हें। शिवी मुस्कुराई और सोना के पास आ गई। वो सोना के गले लग गई और कस के पकड़ते हुए बोली, थैंक यू भाभी, आप अगर मेरे साथ नहीं होती तो मैं ये खुशी कभी महसूस नहीं कर पाती। सोना ने भी उसे कस के गले से लगा लिया और कहा, इसमें थैंक्स कहने की कौन सी बात है शिवी, तुम ये दिन डिजर्व करती हो। दीप और शिवी की सगाई बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी। सगाई के लिए गार्डन एरिया में तैयारी की गई थी। पार्टी में आए सभी लोग एक दूसरे से बातें करने में लगे हुए थे। वहाँ पर आए सभी मेहमान शहर के जाने माने लोग थे। किसी के हाथ में ड्रिंक का ग्लास था तो कोई आपस में बातें कर रहे थे। वहाँ पर म्यूजिशियन भी आए हुए थे जिनकी वजह से किसी को भी बोरियत महसूस नहीं हो रही थी। वहाँ पर पियानो से प्यारी सी धुन बजाई जा रही थी जिसकी आवाज सबको पसंद आ रही थी। वैसे बोर कोई हो भी नहीं सकता था। ये रायजादा परिवार की पार्टी थी जिसमें बोर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। क्या होगा आगे, कहाँ है अंश, जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ सिर्फ पॉकेट। दीप और शौर्य कमरे में तैयार हो रहे थे। दीप ने वाइन कलर का 3-पीस सूट पहना था जिसमें वो किसी एम्पायर के प्रिंस की तरह लग रहा था। वहीं शौर्य ने नेवी ब्लू कलर का 3-पीस सूट पहना था। वे दोनों एक दूसरे को पूरी टक्कर दे रहे थे। शौर्य ने मिरर में देखकर खुद से कहा, मुझे डर है आज मेरी वाली मुझे देखकर आज ही शादी के लिए पूछ ना ले। हाय कितना हैंडसम लग रहा हूँ मैं, किसी की नजर ना लगे। ये कहते हुए वो खुद को मिरर में निहारने लगा। दीप ने कहा, आज मेरी सगाई है, तुझे किसने कहा इतना सजने के लिए। ये कहने के बाद उसने शौर्य को साइड किया और खुद आईने के सामने आ गया। वो अपनी टाई एडजस्ट करके अपने बाल सेट करने लगा। तभी शिवा कमरे में आते हुए बोले, तुम दोनों की बात अंश से हुई क्या, मैं सुबह से उसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन बंद बता रहा है। दीप और शौर्य ने ये सुना और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। बात को समझते हुए दोनों के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। दीप ने कहा, नो अंकल, अंश से हमारी कोई बात नहीं हुई है, हमें लगा था वो वापस आ गया होगा, कल रात वो किसी काम से बाहर गया था। ये जानकर कि उन दोनों को भी अंश के बारे में कुछ नहीं पता, शिवा ने कहा, ठीक है तुम दोनों तैयार हो जाओ, सगाई का मुहूर्त हो रहा है, तब तक अंश भी वापस आ जाएगा। दीप और शौर्य परेशान हो गए। शिवा वहाँ से जाने लगे लेकिन दरवाजे पर रुक कर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बहुत हैंडसम लग रहे हो। दीप और शौर्य ने एक साथ कहा, थैंक यू अंकल। शिवा मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद दीप ने कहा, शौर्य जल्दी से अंश को फोन लगा, पता कर कहाँ है, सुबह से इतना सब हो रहा है कि मैं उसके बारे में भूल ही गया था। शौर्य ने जल्दी से फोन निकाला और अंश का नंबर डायल करने लगा लेकिन अंश का फोन अब भी बंद बता रहा था। दोनों परेशान हो गए। कुछ देर बाद एक मेड उन्हें बुलाने आ गई और वे दोनों बाहर चले गए। पार्टी की अरेंजमेंट हवेली के गार्डन एरिया में की गई थी। वहाँ पर हर एक चीज बहुत शानदार और खूबसूरत थी। पीहू और नालंदा शिवी को लेकर आ गई थी। शिवी इतने सारे लोगों को देखकर नर्वस हो रही थी। पीहू और नालंदा उसे कंफर्ट कर रही थी। पार्टी में उसके कॉलेज फ्रेंड भी आए थे। उन लोगों ने शिवी को देखा तो उसके पास आ गए। उनमें से एक का नाम रितु था। वो एक्साइटेड होकर गले लगते हुए बोली, कांग्रेचुलेशन शिवी, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू रितु। रितु शिवी से अलग हो गई और दूसरे दोस्तों से मिलने लगी। तभी शिवी की नजर दीप पर पड़ी
जो कुछ दूरी पर खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके इस तरह देखने से शिवी शर्मा गई। उसने अपने चेहरे पर आ रहे बाल को कान के पीछे किया और दीप को देखने लगी। दीप ने उसे हाथ के इशारे से ब्यूटीफुल कहा और मुस्कुराने लगा। इधर सोना सिद्धि के साथ थी। सिद्धि अपने कुछ जान पहचान वाले लोगों से बातें करने में लगी थी और सोना उसके पीछे घूम रही थी, क्योंकि वो इतनी बड़ी पार्टी में किसी को भी नहीं जानती थी। इनफैक्ट वो इतनी बड़ी पार्टी पहली बार अटेंड कर रही थी, इसलिए थोड़ी नर्वस भी थी। तभी नीलिमा सोना के पास आते हुए बोली, अब सोना, तुमने अंश से बात की, कहाँ है वो? सोना ने अंश का जिक्र सुना और उसे याद आया उसने भी सुबह से अंश को नहीं देखा था। उसने कहा, नहीं माँ, हमारी कोई बात नहीं हुई उनसे। नीलिमा ने परेशान होते हुए कहा, कहाँ है ये लड़का? यहाँ उसकी बहन की सगाई है और वो ही गायब है। इस तरह सभी अंश के आने का वेट करने लगे। तभी सिद्धि ने सोना के कान में धीरे से कुछ कहा तो सोना ने हाँ में सर हिलाया और भीड़ से बाहर चली गई। सोना अपने लहंगे को संभालते हुए हवेली के अंदर आ गई। उसने ध्यान नहीं दिया, उसके अंदर जाने के बाद एक ब्लैक कार हवेली के सामने आकर रुकी। उस कार का दरवाजा खुला और एक जोड़ी काले और महंगे जूते पहने किसी के पैर बाहर आए। उसकी आंखें बहुत गहरी थी और वो सोना को हवेली के अंदर जाते देख रहा था। कुछ पल बाद वो भी उसके पीछे चला गया। वो कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट माफिया किंग अंश रायजादा था। उसने ब्लैक 3-पीस सूट पहना था। उसके बाल अच्छे से सेट थे। उसके हाथ में एक महंगी घड़ी चमक रही थी। उसके ब्लेजर के पॉकेट पर एक डायमंड ब्रोच लगा था जो लाइट पड़ने से चमक रहा था। सोना जल्दी से सीढ़ी चढ़ते हुए एक कमरे में गई और कुछ ही पल बाद वो सिया को अपनी गोद में उठाकर सीढ़ी से नीचे आ रही थी। सिद्धि ने सोना से सिया को लाने के लिए कहा था जो कमरे में सो गई थी। सोना का लहंगा चलते हुए बार बार उसके पैरों में फंस रहा था, इसलिए वो अपने एक हाथ से अपने लहंगे को पकड़कर हल्का सा ऊपर करके चल रही थी। उसने डार्क पर्पल कलर का लहंगा और गोल्डन ब्लाउज के साथ गोल्डन दुपट्टा कैरी किया था। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और उसकी कुछ लटें उसके चेहरे पर बार बार आकर उसे परेशान कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप था और माथे पर लाल रंग की बिंदी। उसके कान में बड़े बड़े झुमके और उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें काजल से सनी हुई थी। हाथों में भरी हुई लाल रंग की चूड़ियों के साथ गोल्डन चूड़ा भी था। होठों पर कपड़ों से मैच करती लिपस्टिक थी और पैरों में पायल थी जो कि हवेली के सन्नाटे में गूंज रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अंश उसे लिविंग रूम के पिलर के पास खड़े होकर देख रहा था। उसे देखते हुए उसकी आंखों में चमक थी। वो बिना पलक झपकाए सोना को ही देख रहा था। कुछ पल बाद सोना धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे आकर बाहर चली गई। उसने वहां पर अंश को भी नहीं देखा क्योंकि अंश सोना को अपनी तरफ आते देख जल्दी से बाहर चला गया था। सोना सिद्धि के पास आ गई। सिया सबका डांस देखकर एक्साइटेड होते हुए सोना की गोद से उतरकर स्टेज की तरफ भागी। वहां पर पहले से जिया और कुछ बच्चे डांस कर रहे थे। सोना बच्चों का क्यूट डांस देखकर मुस्कुराने लगी। तभी अचानक से उसे कोई ऐसा दिखा जिस पर उसकी नजर ठहर सी गई। उसे देखते हुए उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो कल रात के बाद से उसे देख रही थी। कुछ लोग डांस कर रहे थे, वही अंश खड़ा दीप और शिवी से बात कर रहा था। सोना ने उसे देखकर अपना सर नीचे झुका लिया। इधर दीप अंश के गले लगते हुए बोला, ओह शुक्र है महादेव का जो द ग्रेट अंश रायजादा समय पर पहुंच गए, वरना हमें तो लगा था तुम्हारे बिना ही सगाई करनी पड़ेगी। कहाँ चले गए थे तुम? अंश ने कुछ भी नहीं कहा। उसने शिवी को गले से लगाकर उसके सर पर चूमते हुए बोला, अब तुम खुश हो ना? शिवी ने अपनी नम आंखों से उसे देखकर हाँ में सर हिलाकर उसे जवाब दिया। अंश दोनों के लिए बहुत खुश था, लेकिन उसके मन में बहुत दिनों से कुछ खटक रहा था। उसे लग रहा था वो दीप को किसी तरह से धोखे में रख रहा है। वो ये सोच ही रहा था कि उसकी नजर सोना पर पड़ी जो उसे ही देख रही थी। उसके अचानक से अपनी तरफ देखने से सोना ने अपनी नजरें नीचे कर ली। अंश उसे देखकर उसके खूबसूरती में खो सा गया। सोना को उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो सर उठाकर उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। कुछ पल बाद अंश को रियलाइज हुआ कि वो सोना को देख रहा है, तो उसने उसके ऊपर से नजरें हटा ली और शौर्य से बात करने लगा। लेकिन ये कहां मुमकिन था, उसकी नजरें कैसे भी करके बार बार सोना पर आकर रुक सी जाती।
उसके दिल में सोना को देखकर सुकून का एहसास हो रहा था। वो उसे देख ही रहा था कि उसने सोना के बगल में सिद्धि को खड़े देखा। दी, अंश बोला। उसने शौर्य को एक्सक्यूज मी कहा और डांस कर रहे लोगों के बगल से होकर सिद्धि से मिलने चला गया। उसके जाने के बाद सोना ने नजर उठाकर सामने देखा जहां पर अंश खड़ा था, लेकिन अब वो वहां पर नहीं था। सोना की भौहें सिकुड़ गई। वो इधर उधर देख ही रही थी कि उसके पीछे से जानी पहचानी आवाज आई। हे, डिड यू मिस मी? इस आवाज को सुनकर सोना का मुंह हल्का सा खुल गया और उसकी आंखें फैल गई। वो जल्दी से पीछे पलट गई और बोली, नहीं, हम आपको क्यों? कहते हुए वो चुप हो गई, क्योंकि अंश सिद्धि के गले लगकर उससे ये कह रहा था। पर तब तक देर हो चुकी थी। सोना की बात सुनकर सिद्धि और अंश उसे देखने लगे। सिद्धि सोना को हैरान देखकर मुस्कुराई और बोली, हाँ, मुझे पता है किसने किसे कितना मिस किया। ये कहकर उसने अंश को आई विंक किया। अंश दूसरी तरफ देखने लगा। वहीं सोना अपनी कही बात पर एम्बेरस होकर जमीन को घूरने लगी। तभी उनके कानों में पियानो की रोमांटिक धुन सुनाई दी। सिद्धि ने ये सुना और एक्साइटेड होते हुए कहा, वाओ, अगर इस वक्त तुम्हारे जीजू होते तो पक्का वो मुझे डांस के लिए पूछते। तुम्हें तो पता है उन्हें डांस करना बहुत पसंद है। सोना ने हाँ में सर हिलाया। सिद्धि अंश और सोना को धक्का देते हुए बोली, हाँ, लेकिन तुम दोनों को डांस जरूर करना चाहिए। सोना और अंश एक दूसरे को देखने लगे। उनकी नजरें कुछ पल के लिए टकराई और वे फिर से इधर उधर देखने लगे। सिद्धि ने कहा, जाओ। अंश ने हाँ में सर हिलाया। उसने ना चाहते हुए भी अपना एक हाथ सोना की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ को देखते हुए सोना ने अपने निचले होंठ को दांत से दबा लिया। तभी अंश की भारी आवाज उसके कान में पड़ी, जल्दी करो, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। सोना ने ये सुना और हिचकिचाते हुए अपना हाथ अंश के हाथ की तरफ बढ़ा दिया। अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे सोना को अपने हाथ में एक गर्माहट का एहसास हुआ। उसने अंश को देखा। अंश ने उसकी आंखों में देखा और खींच कर उसे करीब कर लिया। उसने सोना के हाथ को अपने कंधे पर रखा और अपने दोनों हाथों को सोना की पतली कमर में लपेट लिया। सोना उसकी आंखों में देखने लगी और वे दोनों पियानो की धुन पर डांस करने लगे। वे दोनों इतने परफेक्ट लग रहे थे कि सबकी नजर उन दोनों पर ठहर गई और वे सब डांस करना बंद करके उन दोनों को देखने लगे। वे दोनों डांस करने में इतना खो गए कि उन्हें लोगों की नजर महसूस ही नहीं हो रही थी। अंश और सोना एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वे दोनों भूल गए थे कि इस वक्त वे दोनों बहुत सारे लोगों के बीच हैं। अंश ने उसकी कमर को कस के पकड़ लिया और खुद से चिपका लिया। ये देखकर सोना ने अपनी नजरें नीचे कर ली। वे दोनों इतने पास थे कि उनके बीच से हवा गुजरने की भी जगह नहीं थी। अंश को अपने इतने करीब देखकर सोना की सांसें तेज हो गई और धड़कन बढ़ गई। अंश सोना की मांग में लगे अपने नाम के सिंदूर को देख रहा था। वो सब कुछ भूलकर धीरे से उसके कान पर झुका और सॉफ्ट वॉइस में बोला, बीवी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर सोना उसे देखने लगी। क्या होगा आगे? क्या सोना कह देगी अंश से अपने दिल की बात, या फिर से आएगी कोई नई मुसीबत? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ।